सम स्टूडेंट्स दोस्तों आज आए, जैसे कि आपको हमको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया लर्निंग एंड कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी टाइप करी जिसमें हमने लर्निंग बाय मॉडलिंग पढ़ा, लर्निंग बाय इंसाइट और कॉम्बिनेशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो आज हमने पढ़ना है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ठीक है। इसको हम एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं। तो एसोसिएटिव लर्निंग रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन either between two stimuli, classical conditioning or between a behavior or a stimulus of a condition, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसको conditional learning को associative learning भी कहते हैं। इसमें क्या होता है associate करना, जैसे पहले आपको बताया कि जिससे हमें एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक उसका बना देते हैं, जैसे एक अमल से दूसरे अमल का ताल्लुक बन जाए तो हम उसको एसोसिएशन कहते हैं। इस तरह कोई एक ख्याल है या अमल है, उससे ख्याल या अमल से मुंसलिक हो जाना, उसको हम एसोसिएटिव लर्निंग कहेंगे, ठीक है। ये जो लर्निंग है इसके टू टाइप्स है, क्लासिकल कंडीशनिंग है और दूसरा अवेयर कंडीशनिंग, या फिर हम इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू एसोसिएशन बिटवीन एन एनवायरमेंट स्टिमुलस एंड द नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम दो या दो से ज्यादा जो स्टिमुलस होते हैं उनके दरमियान जब हम एनवायरमेंटल जो है स्टिमुलस को ऐड करते हुए कोई भी जो है सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा इशार, ठीक है, अब उनके दरमियान में क्या किया है हमने, गुर्बत बना के और एक फिलहाल में पैदा कर दिया, ठीक है, जो बाद में खुदकार सबक बनाने से हो जाता है। खुदकार सबक मतलब कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। इट हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियरिज्म विच इज बेस्ड ऑन दी असम्पशन दैट लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। अब क्या है, जो स्टिमुलस हम बनाते हैं, जो एक स्टिमुलस होता है उसका फिर आगे से रेस्पॉन्स भी शो होता है, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस है एन इवेंट सेंसेशन और एक्सपीरियंस दैट कॉजेज यू टू रिएक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी इवेंट है, कोई भी सेंसेशन है या कोई भी एक्सपीरियंस है, वो आपको क्या कहते हैं रिएक्शन पे उतारता है, मतलब कि हमारे अंदर जो अराउजमेंट हो रही होती है उसको अराउज करता है। जैसे क्या है, विजुअल स्टिमुलस, जो देखने वाला स्टिमुलस क्या करता है, यू सी समथिंग यू रिएक्ट, ठीक है। जब आप क्या है किसी चीज को देखते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है कि कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। ये जो है चार तरह के स्टिमुलस होते हैं, दो तरह के स्टिमुलस होते हैं और दो रेस्पॉन्स होते हैं। एक होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, इसमें क्या होता है स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर द रेस्पॉन्स, ठीक है। मतलब कि क्या है, नेचुरली जो स्टिमुलस होता है वो अराउज हो जाता है और हम क्या है अकॉर्डिंग जो है अपना जो रेस्पॉन्स है वो शो करते हैं। फर्स्ट पॉज अगर हम ये देखें कि अगर कोई भी खाना हमारे सामने पेश किया जाता है, ठीक है, खाना क्या है एक स्टिमुलस हो गया, कहते हैं कोई इवेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सेंसेशन जो क्या है वो स्टिमुलस है, तो क्या है यहाँ पे खाना हो गया स्टिमुलस। अब इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि हमारा जो लावे है जो स्लाइवा है वो रिलीज होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, the unlearned response that occurs naturally in response to the unconditioned stimulus, ठीक। इसमें हम क्या कहेंगे कि मतलब कि खाना जो है वो हमारे सामने आया और फिर क्या है लावे दहन के साथ जो है इसका फिजिकल ताल्लुक है, ठीक है। मतलब खाना जब भी हमारे सामने आएगा तो हमारा जो लावे दहन होगा वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो खाना क्या था यहाँ पे स्टिमुलस था और जो लावे दहन था जो स्लाइवा था वो क्या था इसका रेस्पॉन्स था। ये लावे दहन अगर खाने के लिए किसी और चीज से पैदा होना शुरू हो जाए तो इसको भी क्या कहेंगे हम कंडीशनिंग कहेंगे। अब क्या है उसकी कंडीशन स्टिमुलस, इसमें क्या होता है प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट व्हेन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस ट्रिगर्स द कंडीशनड रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, हर जो फिजिकली अमल होता है ना उसका एक फिजिकली फेज भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे पानी पिएंगे, गर्मी लगी है तो हमें पसीना आएगा, ये क्या है फिजिकली रद्दे अमल है और मिजाज जो है फिजिकल जो होते हैं वो नेचुरली जो होता है हमारे रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई जो नेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ कोई इजाफी जो स्टिमुलस हम यूज करेंगे ना उसके साथ लिंक उसका कर देंगे तो वो क्या होगा उसके फ्री रद्दे अमल पैदा करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन
पार्ट ऑफ क्या है जो है इसमें हम क्या करते हैं जो पैरेलल फॉर्म्स इन द सेंस पे जो है तजुर्बा किया था ठीक है इसने 1890 में क्या है इसने जो है स्टडी करा था ये जानवरों को ठीक है उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस जो था उसको ऑब्जर्व करा था तो फिर इसने क्या किया था इसने एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनके जो थे ऑर्गन्स जो थे उनमें जो चेंजिंग आ रही होती थी वो ये इसने नोट की थी अब इसने क्या किया था इसने ये किया था कि जो है उनकी चेंजिंग देखने के लिए जो उनके ऑर्गन्स थे कैसे चेंज हो रहे हैं इसने एक एक्सपेरिमेंट किया इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक जो डॉग था उसके माउथ में एक ट्यूब लगा दी थी ठीक है ट्यूब का एक जो साइड था वो उसके माउथ में लगा लिया था और दूसरे जो साइड था वो उसने एक बॉटल के साथ अटैच कर दिया था अब इसने क्या किया जो बॉटल में था उससे इसने ये देखना था कि ये कैसे इसका जो लॉबे ध्यान है वो उसका इफराज कैसे हो रहा है मतलब कि सलाइवा जो है वो किस मिकदार में जो है रिलीज हो रहा है ठीक है तो पहले उसने ये देखा था कि जब सलाइवा जो था रिलीज हुआ था खाना खाने के दौरान जो था वो रिलीज होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ जो डॉग था उसने जब खाना देखा तो फौरन से उसका सलाइवा जो था वो रिलीज होना शुरू हो गया बजाय ये कि जब वो खाना खा रहा था उसके रिलीज हो वो फौरन से रिलीज होना शुरू हो गया उसके बाद क्या हुआ इसने ड्रग चेंजिंग की जो एनवायरमेंट इसने क्रिएट किया हुआ था उसने ऐसे किया उसने थोड़ा उसको चेंज किया अब क्या था जो लाने था जो उसको सेगमेंट था जो खाना लेके जाता था बजाय अब डॉग के खाना देखने के उसने क्या है वो जो सेगमेंट आता था उसको देख के उसने लाइवा रिलीज करना शुरू कर दिया था ठीक है अब ये क्या है लिंक कर रहे हैं लिंक क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ का एसोसिएट होना अब क्या था कि पहले क्या है वो खाने को देखने से पहले क्या था सलाइवा रिलीज सॉरी खाना जब वो खाता था उसने सलाइवा रिलीज होना था लेकिन क्या हुआ उसने खाना देखा तो सलाइवा रिलीज होना शुरू हो गया उसके बाद क्या हुआ जब वो सर्वेंट आता था तो उसको देख के उसने सलाइवा रिलीज करना शुरू कर दिया अब उसने थोड़ी सी और चेंजिंग की उसने ऐसे किया कि जब भी वो मुलाजिम जो था वो खाना लेके आता था तो उसको बुलाने के लिए उसने क्या किया एक घंटी बजाना शुरू कर दी अब उसने एक और जो स्टिमुलेंट था उसने ऐड कर दिया कि घंटी बजाना शुरू कर दी अब क्या काफ़ी बार अब उसने ये अमल दोहराया मतलब ये कि पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ वो ऐड करता गया जो स्टिमुलेंट थे वो ऐड करता गया फिर आहिस्ता आहिस्ता और ऐड करता गया अब क्या था कि जब भी घंटी बजती थी तो उसका जो लॉबे ध्यान था वो रिलीज होना शुरू हो जाता था इसको उसने मशरूफियत कहा था मतलब ये क्या है कि हम दो या दो से ज़्यादा जो स्टिमुलेंट होते हैं उनके जब उनके साथ एनवायरमेंट जो है हम एक साथ आते हैं तो हम उसको कंडीशनिंग करते हैं ठीक है और अब फिर इसने ये कहा कि कंडीशनिंग के लिए हमें जो दो है ना कंपोनेंट वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं एक इसने कहा था रिपीटिशन मतलब कि बार बार चीज़ों को बनाना दूसरा इसने कहा था रीइंफोर्समेंट मतलब कि क्या है कोई तस्वीर देना अब इसने क्या किया गाजा के तजर्बे में ये हुआ कि कुत्ते ने पहली मरतबा मुलाजिम के आने पर दरवाज़ा खोलने पर धमकी के बाद पर लॉबेदन खारिज नहीं किया था ठीक है उसने बार बार इस सारी चीज़ को दोहराया तब जाके उसने क्या है लॉबेदन जो था जो सलाइवा था वो रिलीज करना शुरू किया था इसलिए हम इसे कहते हैं रिपीटिशन मतलब कि बार बार हमने इस अमल को दोहराया तब जाके ये अमल पुख्ता हुआ उसके बाद जो दूसरा है सुल्ले तकरीर जिसे कहते हैं मतलब कि क्या है रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट आप लोगों को पता है कि एक क्या है कोई भी जो स्टिमुलेंट होते हैं कोई भी चीज़ होती है जो फर्ज को रद्द अमल के लिए पुख्ता करती है उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट तो ये रद्द अमल अमूमन इनाम देने से ठीक है जजा देने से जो है पुख्ता होती है अब क्या है फोर्ट आ रहा है उसके सामने वो क्या है एक रीइंफोर्समेंट है उसके लिए ठीक है बेल बज रही है तो हम उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं फोर्ट दे रहे हैं तो इसकी वजह से उसका ये क्या है सारा अमल पुख्ता हो गया तो इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट अब क्या है अब आप देखेंगे कि बिफोर कंडीशनिंग मतलब कि जब तक उसने ये अमल नहीं सीखा था क्या होगा ठीक है यहाँ पे बेल बज रही है न्यूट्रल स्टिमुलस पहले घंटी बजती है लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होता ये क्या है बिफोर कंडीशनिंग में क्या है अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब ये कि जो है हम उसे खाना वगैरह देते हैं तो
तो उसके बाद क्या हुआ था स्लाइवेशन वालों के उसका जो था स्लाइवा में रिलीज होना शुरू हो गया। तो उसके बाद है ड्यूरिंग कंडीशन। ड्यूरिंग कंडीशन में ये होता है कि घंटी भी बजती है और साथ में हम खाना दे देते हैं, तो उसमें क्या हुआ स्लाइवेशन वालों के उसने रिस्पॉन्स जो है वो शो किया। उसके बाद है कंडीशन, उसमें आ जाती है सिर्फ बेल। ठीक है, अब क्या हुआ सिर्फ बेल बजने पे क्या है स्लाइवा रिलीज हुआ। तो आप ये देखेंगे कि उसने लर्न कैसे किया, स्टार्ट करेंगे सिर्फ बेल नो रेस्पॉन्स। ठीक है, घंटी बजी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं था, फिर उसको कोड मिला उसने रेस्पॉन्स शो किया। ठीक है, फिर घंटी भी बजी और खाना भी मिला तो उसने फिर भी रेस्पॉन्स शो किया। अब एंड पे देखते हैं घंटी भी है और खाना नहीं है लेकिन फिर भी क्या है उसका रेस्पॉन्स शो हो रहा है। तो उसने क्या किया ऐसे मतलब कि उसके सामने बार बार एक चीज दोहराई गई है तो उसने उससे लर्न कर लिया। उसके बाद है इसके जो है लास्ट ऑफ कंडीशनिंग की उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हम जो है कंडीशनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है द क्रिएटर द सिमिलैरिटी बिटवीन टू स्टिमुलाई द क्रिएटेड दिस लाइवलीहुड दैट स्टिमुलस जनरलाइजेशन विल अफेक्ट। अब क्या होता है वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कंडीशन या कोई भी हमें रेस्पॉन्स शो करवाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो स्टिमुलस होगा अगर वो किसी और स्टिमुलस से भी मिलता जुलता है और हमारे सामने वो कंडीशन नहीं है, मतलब क्या है हम जैसे जिसने आप क्या है कुत्ते को घंटी बजा के जो है जो घंटी थी वो था एक स्टिमुलस। ठीक है, अब उसने घंटी बजा के उसको सारा कुछ खा दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा अगर घंटी की बजाय कोई और भी आवाज़ आएगी ना, मतलब कोई म्यूजिक आ गया उसने घंटी बजाई या कोई म्यूजिक या कोई रिंगटोन अगर बजाएंगे तो फिर क्या होगा वो उसका स्लाइवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है कि जो भी मिलते जुलते जो स्टिमुलस होते हैं ना अगर वो भी हम जो है उसके सामने पेश करेंगे तो वो क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है खात्मा। ठीक है, हृदय अमल। इसमें क्या होता है मैंने प्रीवियस द कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीजेस इन फ्रिक्वेंसी एंड इवेंचुअली डिसअपीयर। इसमें क्या होता है मतलब जो है माहौल को मशरूफ मोहेज पर तबीयत दी जाती है। अगर तबीयत देना बंद कर दे तो माहौल इंतजाम में मशरूफ है हृदय अमल पेश करना कम कर देता है और ऐसा ऐसा खत्म कर देता है। मतलब ये कि हम क्या है घंटी तो बजाते रहेंगे लेकिन उसको खाना नहीं देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा वो इस चीज़ को भी लर्न कर देते हैं, लर्न कर लेगा क्या सिर्फ घंटी बज रही खाना नहीं देगा तो उसके अंदर जो वो जो तबीयत वाला अमल था जो मशरूफियत वाला अमल था वो सारा क्या है खत्म हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा आप सिर्फ घंटी बजनी है खाना नहीं खाना तो उसका जो स्लाइडेशन वाला रिएक्शन था वो बंद हो जाएगा। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होता है आफ्टर कंडीशन रिस्पॉन्स बिकम्स एक्सटेंस द रिस्पॉन्स कैन समटाइम्स इमर्ज आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल विद नो फर्दर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है मतलब कि पहले से जब हमें रिस्पॉन्स दिखाया गया होता है, ठीक है, जो पहले से कंडीशन हमें दी गई होती है अगर हम सीख जाते हैं लेकिन क्या है कि लंबे अर्से तक हम उसको खत्म कर देते हैं, मतलब कि वो कंडीशन हमारे साथ नहीं दिखाई जाती। जैसे अब ये क्या है अगर पहले ये उसको खाना दे रहा था बैल बजा रहा था, अगर ये खाना नहीं देता और सिर्फ बैल बजाता तो फिर क्या होगा एक्सटेंशन होगी, मतलब कि वो लाभ का इकरार नहीं करेगा। अब क्या है अब अगर बैल भी नहीं बजती लंबे अर्से तक के लिए हम बिल्कुल उसको खत्म कर देंगे वो रिएक्शन वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा था उसको खत्म कर देंगे फिर क्या है वो भूल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं भूलेगा कि बिल्कुल ही वो खत्म हो जाए, लेकिन क्या होगा अगर हम लंबे अर्से बाद उसे उसके सामने वो कंडीशन लेके आते हैं तो वो एक दो दिन में या एक दो दफे ही बोल गया है उसको दोबारा जो है वो मेन करना शुरू कर देगा। तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब फिर थोड़ी बहाल ही उसने अपना पहले वाला काम सीखा हुआ था, बस ये था कि थोड़ी सी उसको उसके सामने वो कंडीशन पेश कर दी। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू डिफरेंशिएट अमंग स्टिमुलाई रिस्पेक्टिंग इट्स रिस्पॉन्स टू वन इन पर्टिकुलर। अब इसमें ये होता है कि जो मुहिज होता है वो कोई भी अगर है कोई भी मिलती जुलती चीजें होंगी ना मिलते जुलते जो स्टिमुलस होंगे उसको रोक लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने पैबलों ने जो अपने तजर्बे में क्या है सिर्फ घंटी बजाई है और तकलीत दी है तकलीत क्या दी थी उसने प्रूफ दिया था। ठीक है, स्टिमुलस दिया था एक घंटी बजाई उसने उसके बाद उसने
सपोर्ट है उसको दिया, अगर उससे कोई भी मिलती जुलती चीजें या कोई भी आवाज होती जैसे उसमें क्या रखा जाए, रिलाइजेशन में क्या होगा, मतलब पेशाब में अगर हमने कोई किसी जगह रिंग टोन बजाना शुरू कर दी तो क्या है, फिर भी उसने फ्लाइवर नंबर था वो रिलीज करना शुरू कर दिया। मतलब इसमें ये होगा कि अगर हम रिंग टोन की जगह कोई कोई और चीज जैसे मतलब फिर घंटी और रिंग टोन के अलावा कोई और भी चीज़ देंगे या इनमें से कोई दो चीज़ देंगे तो वो क्या होगा, वो अपना फ्लाइवर जो था वो रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, वो जो क्या है क्योंकि उसको पता चल जाता है ना, उसको इतना तो सीख चुका है कि उसे पता है कि ये जो है ये स्टिमुलस मेरे लिए नहीं है, मैंने ऐसा नहीं करना, तो वो क्या करता है रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपना जो हृदय मलोदान करो होता है। ठीक है, ये था कंडीशनिंग। ठीक है, और इसमें जो है हमने कल चेक करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कंडीशन। ओके, लास्ट।